दोस्तों 2023 में अगर आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं जिसको कम बजट में शुरू किया जा सके और साथ ही साथ में उस बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है उसकी डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहे, तो आज का वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसकी जरूरत हर घर में पड़ती है, रेस्टोरेंट में पड़ती है, होटल में पड़ती है, आप यूं समझ सकते हैं जहां कहीं भी कैंटीन होती है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जरूरत वहां पर पड़ती ही पड़ती है, और वो चीज है फॉर्म स्क्रबर। देखिए दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप जो स्क्रबर देख पा रहे हैं, इस प्रकार का स्क्रबर आप भी अपने घर में यूज करते होंगे या फिर आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा इस प्रकार का स्क्रबर यूज किया जाता है, तो आप भी इसका बिजनेस शुरू कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, एक महीने का आप आसानी से 60-70 हज़ार रुपया इस बिजनेस से कमा सकते हो। आज के वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, साथ ही साथ में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा और कैसे ये स्क्रबर बनाया जाता है। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो YouTube चैनल। दोस्तों आज के टाइम में मार्केट में तीन तरीके के डिश वॉशर आते हैं। सबसे पहला ग्रीन पैड स्क्रबर जो कि बहुत ही जल्दी गल जाता है, दूसरा एल्यूमिनियम स्क्रबर और तीसरा फॉर्म स्क्रबर। इनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है फॉर्म स्क्रबर, क्योंकि दोस्तों फॉर्म स्क्रबर के ऊपर एक कपड़ा लगा होता है और जो लोग भी बर्तन धोते हैं उनके हाथों को नुकसान नहीं पहुंचता। वरना कई सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि जब वो एल्यूमिनियम या फिर तार वाले स्क्रबर से बर्तन धोते हैं तो उनकी उंगलियों में तार गड़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसको बनाने का जो प्रोसेस होता है वो दोनों के मुकाबले काफी आसान होता है और साथ ही साथ में इसमें कम इन्वेस्टमेंट भी लगता है। तो ऐसे में अगर आप फॉर्म स्क्रबर बनाकर बेचने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो आपको जरूरत पड़ने वाली मशीन और इक्विपमेंट की। दोस्तों इस तरीके का स्क्रबर बनाने के लिए आपको सिर्फ एक ही मशीन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है फॉर्म स्क्रबर सीलिंग मशीन, जो कि फॉर्म और फैब्रिक से स्क्रबर बनाने का काम करेगी। ये मशीन आपको 5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए के बीच में मिल जाएगी। मशीन का प्राइस जितना ज्यादा होगा उसकी आउटपुट कैपेसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। अब दोस्तों मान लेते हैं कि अगर आप 5.5 लाख रुपए वाली मशीन खरीदते हैं तो वो 1 मिनट में 10 से 12 स्क्रबर पैड बनाकर तैयार कर देगी। उसके बाद में दोस्तों आपको जरूरत पड़ने वाली है रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल की। रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी हाई डेंसिटी PU फॉर्म की, और ये आपको मार्केट में किलो के हिसाब से मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों दूसरा रॉ मटेरियल जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है फैब्रिक फॉर स्क्रबर, ये आपको मीटर के हिसाब से मार्केट में मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप इन दोनों को जितनी ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे उतना ही सस्ता आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, चाहें तो ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, जो भी मेथड आपको सही लगे वहां से आप खरीद सकते हैं। अब दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितने स्पेस की जरूरत पड़ेगी, कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, ये मैं आपको बताऊं। उससे पहले मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूं कि फॉर्म स्क्रबर को तैयार कैसे किया जाता है। दोस्तों फॉर्म स्क्रबर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको स्क्रबर के साइज का फॉर्म चाहिए होगा जो आपको फॉर्म मैन्युफैक्चरर के पास आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में आपको फैब्रिक की भी जरूरत पड़ेगी जिसके ऊपर एल्यूमिनियम के सॉफ्ट वायर लगे होते हैं, और साथ ही साथ में ये नॉर्मल कपड़े से बना होता है इसीलिए दिखने में थोड़ा सा शाइनी होता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको अलग अलग कलर के ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो मैं मान के चलता हूं कि आपने ऐसा फॉर्म भी ले लिया जो स्क्रबर पैड के साइज का होगा और साथ ही साथ में आपने स्क्रबर का फैब्रिक भी ले लिया। उसके बाद में दोस्तों एक या दो लोग फॉर्म के ऊपर फैब्रिक लगाने का काम करेंगे, और जब सारे फॉर्म के ऊपर फैब्रिक लग जाएगा तो उसके बाद में फुल्ली ऑटोमेटिक फॉर्म स्क्रबर सीलिंग मशीन की मदद से आप फॉर्म स्क्रबर बनाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले मशीन के ऊपर जो डिजिटल पैनल दिया गया होगा वहां पर आपको साइज और प्रोडक्शन की स्पीड एंटर करनी है और साथ ही साथ में कमांड देना है, जिसके बाद में मशीन ऑटोमेटिकली फॉर्म स्क्रबर बनाना शुरू कर देगी जिसको आप पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं पैकिंग मटेरियल की, तो सबसे पहले आपको कार्टन्स की जरूरत पड़ेगी ताकि जो भी स्क्रबर पैड आप बनाने वाले हैं उनको कार्टन्स में डालकर आप मार्केट में बेचने के लिए भेज सकें। इसके अलावा आपको वो सारी चीजें भी खरीदनी पड़ेगी जिस हिसाब से आप पैक करके मार्केट में बेचना चाहते हैं। अगर आप प्लास्टिक की थैली के अंदर पैक करके बेचना चाहते हैं तो आपको वो खरीदना होगा, अगर आप जाली टाइप कोई मटेरियल के अंदर पैक करके बेचना चाहते हैं तो वो भी आपको खरीदना होगा। और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके ब्रांड के जो स्क्रबर है उनको आप मार्केट में किस तरीके से बेचना चाहते हैं, उसके हिसाब से जो भी पैकिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है वो आपको खरीदनी होगी। तो दोस्तों आपने देखा फॉर्म स्क्रबर बनाना कितना आसान है। मैं आपको बता दूं जहां कहीं से भी आप मशीन खरीदने वाले हैं वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे और उसके बाद में आसानी से आप भी बना सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको और कौन सी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहली चीज जिसकी जरूरत पड़ेगी वो है स्पेस। तो दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास कम से कम 400 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए। अब मैं इतनी जगह क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लगभग 100 स्क्वायर फुट की जगह तो मशीन ही ले लेगी, साथ ही साथ में आपका तैयार माल रहेगा, रॉ मटेरियल रहेगा, आपके जो एम्प्लॉयज है वो बैठ के काम कर सके, जो फॉर्म है उसके ऊपर फैब्रिक लगा सके, तो इसलिए आपके पास कम से कम 400 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए। दूसरी चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है एम्प्लॉयज। तो आपके पास कम से कम 4 एम्प्लॉयज होने
होने चाहिए। अब ये चारों एम्प्लॉइज क्या काम करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दो लोग तो ऐसे होंगे जो फॉर्म के ऊपर फैब्रिक लगाने का काम करेंगे, एक आदमी ऐसा होगा जो मशीन को ऑपरेट करने का काम करेगा, एक आदमी ऐसा होगा जो पैकिंग का काम करेगा। इसके अलावा मार्केटिंग और सेल्स का काम आप खुद कर सकते हैं और अकाउंट का काम भी आप कर सकते हैं या फिर इसके लिए भी कोई और रख सकते हैं। लेकिन इनिशियल बेसिस पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसके लिए आप आदमी मत रखिए, आप खुद कीजिए। तो टोटल इस बिजनेस के लिए आपको चार एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे आपको बिजनेस बढ़ने लगे उसके बाद में आप एम्प्लॉइज को बढ़ा भी सकते हैं। तीसरी चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है डॉक्यूमेंटेशन। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा। कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप किसी फॉर्मेट में कर सकते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसके बाद में आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होगा क्योंकि इस चीज को बनाकर आप बेचने वाले हैं। और साथ ही साथ में अगर आपके साल का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर हो जाए तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत पड़ेगी। या फिर अगर आप अपना सामान ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो फिर भी आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर इस बिजनेस को आप किसी के साथ पार्टनरशिप में शुरू कर रहे हैं तो उस केस में आपको कंपनी के लिए अलग से पैन कार्ड बनाना पड़ेगा और आधार कार्ड बनाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप अकेले ही मालिक हैं, एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपको कंपनी के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। देखिए ये जो मशीन है, जब ये मशीन चलेगी तो थोड़ा सा आवाज करती है, तो अगर आप इस बिजनेस को किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सोसाइटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो ही आप ये बिजनेस वहां पे कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपकी खुद की जगह है तो कोई बात नहीं, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहता है तो कम से कम उसके पास कितने पैसे होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास दो प्रकार का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सबसे पहला वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब बिजनेस को सेटअप करने के लिए, तो उसमें आप सबसे पहले खरीदेंगे मशीनरी। तो मशीनरी का मैं पकड़ लेता हूं 5.5 लाख रुपया। उसके बाद में आपको रॉ मटेरियल वगैरह खरीदना पड़ेगा, पैकिंग मटेरियल खरीदना पड़ेगा, जिसका मैं पकड़ लेता हूं 50,000 रुपया, टोटल हो जाएगा 6 लाख रुपया। उसके बाद में दोस्तों आपका जो फैक्ट्री है उसको आपको सेटअप करना होगा, मतलब वहां पे छोटा मोटा टेबल बनाओगे, थोड़ा बहुत फर्नीचर बनाओगे, इलेक्ट्रिसिटी का काम करोगे, तो उसमें आपका खर्चा जाने वाला है, तो मैं पकड़ लेता हूँ 50,000 रुपया। तो टोटल वन टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपके पास 6.5 लाख रुपया होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपको वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत पड़ेगी। अब वर्किंग कैपिटल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी जगह रेंट पे है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे रेंट पे करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा, छोटा मोटा खर्चा आएगा वो पे करना होगा, आपके साथ जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको भी सैलरी देनी पड़ेगी, तो वो भी वर्किंग कैपिटल आपके पास होना चाहिए। तो इसका कैलकुलेशन सिंपल सा होता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने का वर्किंग कैपिटल रेडी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले कैलकुलेशन 1 महीने का बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी जो जगह है उसका रेंट है 10,000 रुपया, इलेक्ट्रिसिटी बिल में पकड़ लेता हूँ 5,000 रुपया, अदर चार्जेस में पकड़ लेता हूँ 5,000 रुपया, टोटल हो जाएगा 20,000 रुपया। उसके बाद में अगर आपके पास 4 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और इसके अंदर ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है नहीं, तो अगर एक आदमी की सैलरी 10,000 रुपया भी है तो टोटल हो जाएगा 40,000 रुपया, मतलब 1 महीने का आपका खर्चा जाने वाला है 60,000 रुपया। तो 3 महीने का अगर खर्चा आप एडवांस में रेडी रख रहे हैं तो आपके पास 1,80,000 रुपया होना चाहिए, और अगर आप 6 महीने का रख रहे हैं तो आपके पास 3,60,000 रुपया होना चाहिए। तो आप यूं समझ लीजिए, अगर कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहता है उसके पास 9 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो वो आसानी से इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे से कर पाएगा। और अगर आपके पास सिर्फ 6-6.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा तो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, लेकिन आप स्मूथली इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी इतना इन्वेस्टमेंट करता है तो इस बिजनेस से वो कितने पैसे कमा सकता है। देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक स्क्रबर पैड जो होता है वो लगभग 6 इंच का होता है, मतलब आधे फिट का होता है। उसको बनाने का जो कॉस्ट पड़ता है वो पड़ता है 4 से 4.5 रुपए के बीच में। तो हम मान के चलते हैं कि आपका एक स्क्रबर बनाने का कॉस्टिंग पड़ा 4 रुपया। अब इसके अंदर मैंने सारी चीजें इंक्लूड कर दी है, आपका जो फैब्रिक है उसका प्राइस भी, साथ ही साथ में जो फॉर्म है उसका प्राइस भी, और जो छोटे मोटे अदर चार्जेस होते हैं उसको भी, तो मिला के हो गया 4 रुपया। और मार्केट में ये जो होलसेल प्राइस में बिकता है, एक स्क्रबर का कॉस्टिंग होता है 6 रुपए से लेकर 7 रुपए के बीच में। अगर आप मार्केट में 6 रुपए के हिसाब से भी बेच रहे हैं तो पर स्क्रबर के ऊपर आपको 2 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। और ये जो मशीन मैंने आपको बताई है 1 घंटे के अंदर लगभग 600 स्क्रबर बनाकर तैयार कर देती है, और अगर आपकी मशीन दिन में सिर्फ 4 घंटे भी चलती है तो आप 2,400 स्क्रबर बना पाएंगे। और एक स्क्रबर के ऊपर अगर आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 2,400 के ऊपर आपका प्रॉफिट हो जाएगा 4,800 रुपया, और महीने का आप कमाएंगे 1,44,000 रुपया। अब दोस्तों इसमें से आपको अपना वर्किंग कैपिटल भी निकालना होगा, जैसे कि आपका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, तो में से अगर मैं 60,000 रुपए माइनस कर देता हूं तो आपका जो नेट प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 84,000 रुपए का। सो दोस्तों एक मशीन खरीद के आप इतने पैसे कमा सकते हैं। और दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इस बिजनेस से 60-70,000 रुपए आप आसानी से कमा पाएंगे। अब दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई बिजनेस शुरू किया तो उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, जल्दी से जल्दी सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर मैं एक डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं और मैं आपको सारी स्ट्रेटजीज बताऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ही जल्दी मैं वीडियो बनाकर चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक
कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।